प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब सीहोर जिला पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, जहां जिले की भैरंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को एक अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। दरअसल सीहोर जिले की भैरंदा पुलिस को लूट, अपहरण व अन्य अपराधी घटना करने वाले आरोपियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां थाना प्रभारी गिरीश दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में लगातार आरोपियों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, जहां पुलिस ने मामले की छानबीन कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने नकदी पैसे के अलावा सोने की बाली बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों द्वारा वारदात में प्रयोग की गई बाइक व एक कार को भी जब्त किया है। दिनांक 11/7 को फरियादी राजेश पवार ग्राम खरसानिया के द्वारा एक थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई गई थी कि मैं सेमलपानी रोड पर जा रहा था, 4 अज्ञात लोगों ने मेरे साथ मारपीट कर मुझे कार में बैठा कर सुनसान जगह ले गए और मेरे साथ मारपीट कर मेरे 10,000 रुपये और 2 कान की बालियाँ मेरी चुरा ली हैं और लूट ली हैं। थाना हाजा पर अपराध मारपीट का और धारा 394-365 अपहरण का अपराध पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। हमारे टीम के द्वारा कस्बे के कैमरों को सर्च किया गया तो एक संदिग्ध वाहन हमें उसमें दिखा। वाहन मालिक को हिरासत में लेकर गंभीरता से पूछताछ किया गया एवं तकनीकी विवेचना में हमारे पास साक्ष्य संकलित हुए, जिसके आधार पर हमने ये बड़ी घटना को इसमें ट्रेस करने में सफलता प्राप्त की। हमारी टीम में हमने लूटे हुए फरियादी के पैसे 8,500 रुपये और उसी कान की बालियाँ बरामद किए। इसी तारतम्य में मैं मुख्य आरोपी जो शुभम सारसवाल है उसके पास से कट्टा भी हमने 315 बोर का मैं कारतूस जिंदा कारतूस के बरामद किया है। अन्य घटनाओं में पूछताछ में ग्राम निमोठा के पास से एक महिला की 7 बकरियां चोरी हुई थी, जिसका भी अपराध थाने पंजीकृत था, उसके संबंध में भी आरोपियों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया है और हमने उसमें बेची हुई बकरियों की बरामदगी 17,000 रुपये बरामद की। अन्य घटनाओं के संबंध में भी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। घटना में प्रयुक्त वाहन एक एसेंट कार और 2 मोटरसाइकिलें जो लूट की घटना में प्रयुक्त की गई थी वो भी हमारे द्वारा जब्त की गई है और इसमें हमारी टीम में सब इंस्पेक्टर सलीम खान, ASI मुकेश सिंह, प्रधान अच्छा धर्मेंद्र सिंह, आरक्षक आनंद राजीव और दीपक जाटव की अहम भूमिका रही है। सर क्या अन्य कोई चोरियों में और इन्होंने पुलिस रिमांड ली गई क्या? नहीं, अन्य चोरियों की हमारी कल से पूछताछ चल रही थी, जब रात्रि से गिरफ्तार किया गया तो अन्य चोरियों के संबंध में हमें कोई इन्होंने पूछताछ में जो स्वीकार नहीं किए हैं। अन्य थानों की पुलिस भी देवास से एवं हरदा से बकरी चोरी के संबंध में पूछताछ करने आई थी। वहीं आने वाले दिनों में देखना होगा कि भैरंदा पुलिस और कितने अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भैरंदा।